जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन दाडा की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था संबंधित बैठक का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में किया गया, जिसमें कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए डीएम ने कहा कि जिला और पुलिस प्रशासन के सहयोग से दशहरा, दीपावली, छठ पूजा सकुशल सम्पन्न हुआ, इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। बैठक में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा कि सर्किल अफसर व थाना प्रभारी अपने अपने सर्किल व थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण के लिए कारगर कदम उठाते हुए अपराधों पर नियंत्रण रखें तथा अपराधियों का चार्जशीट दाखिल करते हुए उस पर कार्यवाही करें। बैठक में एसडीएम सदर कुलदीप मीना, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम पंकज दीक्षित, सुरेश राय, विपिन पांडे, अनुपम मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, पुलिस अधीक्षक दक्षिण अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक इंदु प्रभात सिंह सहित सभी राजपत्रित अधिकारी, क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी मौजूद रहे। यहाँ पे जैसे बताई दो दिन का और ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने हो जाए 116 की कार्यवाही हो जाए। विशेषकर जो पिछले 5 साल में चुनाव में जैसे हमने 116% हो जाए अभी, और जहाँ पर दो सीओ साहिबान ये नोट कर लें कि चार्जशीट एफआईआर जो है ये चुनाव वाली ही आप अपने कार्यालय में पेंडिंग मत रखिएगा, इसको चुनाव इसको कोर्ट दाखिल करवा लीजिए। जो एफआईआर है उसको आप रुकवा लीजिए, उसको एक बार देख लीजिए, उससे बात कर लीजिए, और जो चार्जशीट है उसको आप कोर्ट दाखिल करवा दीजिए। 3 मुकदमे ऐसे हैं जो विवेचनाधीन है, पिछले जो चुनाव हुआ था पंचायत वाला उसके है, इन तीनों गवाल के, तो उसमें जो लीडर साहब को नोट कर लें 3 या 4 मुकदमे हैं, एक में से चार्जशीट लग गई थी शायद, 3 मुकदमे रह रहे हैं, तो रीडर साहब नोट कर लें ये 3 मुकदमों की जो सूचना है वो मेरे सामने पुट अप कर दीजिएगा, क्या स्टेटस है उनका देख लेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर में मजिस्ट्रेट सीओस और एसओस ने पूरी टीम ने अपनी भूमिकाएं निभाई, इसलिए सकुशल शांतिपूर्वक बिना कोई घटना के सारी घटनाएं सारी गतिविधियां पूर्ण हुई हैं, वो आप सब बधाई के पात्र हैं। चुनौतीपूर्ण रहेंगे उसको 3 गतिविधियां बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आगामी 2 महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, खिचड़ी महोत्सव, गोरखपुर महोत्सव, इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, और उसके पश्चात प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के पश्चात जो विभिन्न कार्यक्रमों के लोकार्पण और राजनीतिक कार्यक्रम जो हो रहे हैं, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट से पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या क्राइम कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, जो चुनाव हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण और निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए, शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए भी हमारे पास या इतना बड़े प्रोजेक्ट्स या इतने बड़े इवेंट्स नहीं हो सकता है। और तीसरा जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण मामला जो अभी दिख रहा है,